वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्या डिफर होता है पार्टनरशिप में, क्या डिफरेंस है एंड कंपनी में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में यही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा हमने नहीं कहा कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बट पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। मींस रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता। कई लोग करवाते हैं पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है। अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट। मींस एक कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आएगी, एक कंपनी तभी मानी जाएगी जब उसका हम क्या करवाएंगे, उसे रजिस्टर्ड करवाएंगे। कहां करवाएंगे? रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम मेंबर ऑफ अ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप। मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है हमारी पार्टनरशिप में? दो बंदे, एक और एक दो है तो चलो पार्टनरशिप हो गई। अब बट एक कंपनी में भी ऐसा नहीं, मिनिमम मेंबर 7 रिक्वायर्ड होते हैं अगर पब्लिक कंपनी है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। किसके लिए? एक कंपनी को बनाने के। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, बट ए कंपनी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मींस क्या है? देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी का मींस है कि उसे एक अलग पर्सन माना जाता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी जी आती है। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कोई भी केस पार्टनरशिप फर्म पे है या पार्टनरशिप, वहां क्या होता है, पार्टनर्स भी लाइबल होते हैं कुछ एक्ट के लिए। अगर कोई भी गलती है या कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो गई किसमें, फर्म में। ए फॉर एन एग्जाम्पल, ए बी सी फर्म है, वो मेरी फर्म है, अगर उस पर लाइबिलिटी हो गया, उस पर कर्जा हो गया, तो मेरी पर्सनल एसेट्स भी एक्वायर कर ली जाएगी, क्योंकि मेरी फर्म को और मुझे अलग नहीं माना गया है। बट अगर कंपनी है तो कंपनी में सिर्फ कंपनी की एसेट्स एक्वायर करी जाएगी, मेरी पर्सनल एसेट्स एक्वायर नहीं करी जाएगी, क्योंकि कंपनी को वहां एक पर्सन की तरह माना गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई है। अगर कोई एक्ट हुआ है तो कंपनी पे केस होगा, ना कि मेरे पे, और कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है, चाहे वो मेंबर्स ही क्यों ना हो कंपनी के। फोर्थ पॉइंट, इन अ पार्टनरशिप एवरी मेंबर इज पर्सनली लायबल टू एन अनलिमिटेड। मैंने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि वहां पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मींस कोई भी डेब्ट्स है या कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो रही है फर्म में, तो क्या पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होती है, सॉरी पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स होती हैं, उन्हें भी एक्वायर कर लिया जाएगा। बट ऐसा कंपनी में नहीं है, वहां हमने कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है, कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी है, वहां द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी यूजुअली लिमिटेड। मींस जो वहां लाइबिलिटी है मेंबर्स कंपनी के, उनकी लिमिटेड है, क्योंकि वहां पर्सनल एसेट्स, वहां के मेंबर्स की, कंपनी के मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स को एक्वायर नहीं करा जाएगा कंपनी में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In a partnership firm, a partner cannot transfer share without the consent of other partner. Partnership firm में एक person अपने share क्या transfer नहीं कर सकता जब तक other लोगों की consent ना हो। For an example, A, B, C हैं। तीनों ने एक एक लाख रुपए डाल रखे हैं और एक business run कर रहे हैं partnership, और profit के share भी तीनों ही equal हैं। तो A कहता है मैं अपना share अपने भाई के लड़के को देना चाहता हूं, या मेरी जगह मेरा चाचा इसमें पार्टनरशिप में आ जाएगा, तो तब तक वो पार्टनरशिप में मेंबर नहीं आएगा, वो तब तक A अपना शेयर नहीं दे सकता पार्टनरशिप का जब तक B एंड C एग्री ना हो। बट ऐसा फर्म में नहीं है, जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, मतलब इजी ट्रांसफर कर सकते हैं कंपनी में। इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो पार्टनरशिप है वो किसके द्वारा गवर्न करी जाती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। इट इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। मींस जो हमारा कंपनी होती है कैसे रन करी जाती है, किसके द्वारा गवर्न करी जाती है? गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 में। द लास्ट पॉइंट, सेवन पॉइंट, इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी मेंबर मे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। सभी मेंबर पार्ट लेंगे, हिस्सा लेंगे किसमें, जो भी हमारे मैनेजमेंट पे और कोई भी मैनेजमेंट के अफेयर्स होंगे उसमें सभी पार्टनरशिप के मेंबर क्या करेंगे, पार्ट लेंगे। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय इट डायरेक्टर्स। जो भी अफेयर्स होंगे वो किसके द्वारा मैनेज करे जाएंगे, डायरेक्टर के द्वारा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा है पार्टनरशिप एंड कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। देखते हैं, पार्टनरशिप इज ऑलवेज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट।
जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट है एग्रीमेंट का। देखिए, दो तीन चार जितने भी जो भी पार्टनर्स हैं वो एग्री करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, भैया हम इतना इतना कैपिटल डालेंगे, ऐसे ऐसे अपने बिजनेस रन करेंगे, अगर कोई भी प्रॉफिट शेयर हुआ तो कौन इतना पैसा डालना है, किस शेयर में, किस रेशियो में, किस तरीके से हम क्या पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब चीज़ क्या एग्रीमेंट में क्या करी जाएगी, डिसाइड करी जाएगी। तो पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, बट अ ओनरशिप इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। इट मे बी अराइज बाय द स्टेटस एंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऐसा जरूरी है कि जो हमारा ओनरशिप हो रिजल्ट हो एग्रीमेंट का। इट मे अराइज बाय द स्टेटस और ऑपरेशन ऑफ लॉ। पार्टनरशिप नेसेसरली इन्वॉल्व द वर्किंग फॉर प्रॉफिट। देखिए, जो भी पार्टनरशिप करी जाती है तो प्रॉफिट के लिए करी जाएगी। देखिए, दो बंदे हैं, दो बंदे स्टार्ट करते हैं कोई नया सेटअप, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी फूड वर्कशॉप या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो किसके लिए करें, भाई पैसे कमाने के लिए। धंधा करा है तो धंधे में उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। कोई भी पार्टनरशिप करी जाती है वहाँ जरूरी होता है कि प्रॉफिट कमा जाए, इस बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो। बट कोऑनरशिप नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व्स वर्किंग फॉर प्रॉफिट। ऐसा जरूरी नहीं है जो कोऑनरशिप में वहाँ वर्क करा जाए सिर्फ प्रॉफिट के लिए। A partner cannot transfer his rights to the third party without the consent of other partners. क्या पार्टनरशिप में जो राइट्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। A partner cannot transfer his rights किसे, to the third party, किसके द्वारा, जब तक कंसेंट ना हो अदर पार्टनर्स की। A co-owner can freely transfer his rights to the third party without the consent of co-owners. But co-ownership में ऐसा नहीं है। co-owner, एक co-owner अपने ट्रांसफर कर सकता है राइट दूसरे पर्सन को, थर्ड पार्टी को, विदाउट द कंसेंट ऑफ co-owners, अदर co-owners, कि दूसरे co-owner की उन्हें क्या नहीं लेनी पड़ेगी, कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, अ पार्टनरशिप ऑलवेज इंप्लाइज बिजनेस। एक पार्टनरशिप कहाँ इंप्लाई होती है, देखिए बिजनेस के लिए। कोई भी पर्सन है पार्टनरशिप बना, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई वर्क, कोई बिजनेस के लिए तो बना होगा। बट कोऑनरशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जिस्टेंस में आएगी तो सिर्फ बिजनेस के लिए ही आए। अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। एक पार्टनरशिप में जो एक पार्टनर होता है वो एक एजेंट कहलाता है, किसका, दूसरे पार्टनर का। बट ऐसा कोऑनर में नहीं है। अ कोऑनर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अनदर। कोऑनर एक एजेंट नहीं होता, किसी अदर कोऑनर का या किसी अदर का एजेंट नहीं होता। होपफुली आपको पार्टनरशिप एंड कंपनी, पार्टनरशिप एंड कोऑनरशिप का डिफरेंस क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम अराइज है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट shubham.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में। जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है लॉ कक्षा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करें। वहाँ आपको फाइल्स में सारे ही नोट्स अपलोडेड मिलेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।